नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। और हिंदी में जो है ये अशुद्धि संशोधन का यानी कि शुद्धि वाक्य शुद्धि वाला जो टॉपिक चला रहे हैं, इसमें आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक, इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है और इसके कुछ नियम कायदे के बारे में हमने देखा था, यानी कि इसके जो एक रूल रेगुलेशन होता है किसके आधार पर कौन सी अशुद्धि होता है, उसका डिस्कस जो है हमने इसके पिछले वाले क्लास में कर रखा है। ठीक, तो आज जो है ये इसका लास्ट क्लास है, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की क्लास में खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी है, तो एक बार जल्दी से शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं या त्रुटि की पहचान करना है। ठीक, तो इसमें जो है पहचान करना है किसमें, इसमें बोला जा रहा है यहां पर रेलगाड़ी के लिए कुछ बोला जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है, तो रेलगाड़ी के लिए बोला जा रहा है कि मुझे जो है रेलगाड़ी में यात्रा करना कैसा लगता है, ये अच्छी लगती है। तो रेलगाड़ी कैसा है, जैसे ही रेलगाड़ी में अच्छी शब्द आप देखेंगे तुरंत ही इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो यहां पर आपका सही क्या हो जाएगा, तो ये आपका इसमें अशुद्धि या त्रुटि ढूंढना है, अच्छी लगती की जगह पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। ठीक, अगला प्रश्न है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। ठीक, वाक्य में शुद्ध रूप इसका करना है और ये सबसे ज्यादा अशुद्धि में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशुद्धि में बहुतों बार ये जो है ये प्रश्न आपका पूछा गया है, बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। तो यहां पर एक आपको थोड़ा सा नियम बताने का कोशिश करेंगे कि आपका एक नियम होता है इसमें, हाँ इसमें एक नियम होता है। कौन सा नियम होता है, तो नियम होता है जब भी जो है पुरुष जाति का और जो है जब किसी वाक्य में पुल्लिंग एक हो और एक स्त्रीलिंग हो, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर जो वचन लिया जाता है, वचन ये किसके अंतर्गत लिया जाता है, वचन तो बहुवचन के अंतर्गत लिया जाता है। कैसा लिया जाता है, बहुवचन के अंतर्गत लिया जाता है। और इसका एक नियम और है कि ये जो है इसका किसके अंतर, इसका लिंग जो है वाक्य में लिंग किसके अंतर्गत होगा, तो लिंग जो है ये पुरुष जाति के आधार पर होगा। ठीक, तो अब जो है ये इसका इस वाक्य का एक नियम है, इस आधार पर चीजों को समझेंगे कि इसमें जो है जब एक से अधिक लिंग का बात आ रहा हो, जैसे दो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी नर जाति और नारी जाति दोनों का वर्णन हो रहा हो, तो वहां पर जो है इसको किसको प्रभावी मानेंगे, यहां पर पुरुष जाति को प्रभावी मानेंगे। ठीक, यहां पर पुरुष जाति को प्रभावी मानकर उसको बहुवचन में इसका जो है इसको रखेंगे, यानी कि वचन किस आधार पर रखेंगे, बहुवचन आधार पर रखेंगे। तो इसमें आपका सही कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो है सही हो जाएगा बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, इस चीज पर ध्यान देंगे। और ये पीते हैं किसमें हो जाएगा, ये आपका बहुवचन में, यही चीज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ये बहुवचन में हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। और ये इसका कर्ता जो है किसके अनुसार होगा, तो ये जो नर जाति यानी कि जो पुरुष जाति का बोध करा रहा है उसके आधार पर इसका जो है लिंग निर्धारण होगा। ठीक, तो इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें बाघ की जगह कुछ भी और देकर, या जो है कल एक वाक्य हमने आपको बताया था कि मेरा एक भाई और 5 बहन हैं, वो भी कुछ इसी आधार पर ये उस वाक्य जो है था। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन क्या करना है, पहला क्या है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है। ठीक, तो ये गांव देहात में आपने सुना होगा कि लोग जैसे ही कोई बात होती है तो कहते हैं अरे हमारे बाल पक गए यही करते करते, तुमको ये लग रहा है कि हमको पता नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर बात है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है। बी वाला है, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है। तीसरा है, बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है। तो इसमें आपका शुद्ध पूछा है। ठीक, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा हो जाएगा, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल पक जाने से कोई भी अनुभवी नहीं हो जाता, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक,
अगला है आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य में त्रुटि जो है सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटे। तो इसमें आप निसंकोच चले जाओ, इसमें त्रुटि किसमें है और छांटा जाए। पहला है तुम निसंकोच चले जाइए, दूसरा है आप निसंकोच चले जाएंगे, तो ये जाएंगा लिखा है, और तीसरा है आप निसंकोच चला जाओ, और डी वाला है आप निसंकोच चले जाइए। तो इसमें जो है सही कौन सा हो जाएगा, जब आप किसी को आप कह रहे हैं तो आपका मतलब क्या है, आप उसको सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो ये डी वाला सही हो जाएगा, आप निसंकोच चले जाइए। ठीक, तो डी वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इसमें क्या है, वाक्य जो है लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि लड़के के बारे में कौन सी बात अशुद्ध बोली गई है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ये आपका एक शब्द है लड़के, कौन सा शब्द है लड़के, तो इसी पे सारा खेल है। तो खेल क्या है कि ये जो लड़के लिखा है इसका आपको वचन अगर पहचानना आ गया कि ये किस वचन का है, इसका वचन क्या है, एक वचन है या बहुवचन, तो आप इसका सारा खेल समझ जाएंगे। तो इसके हिसाब से ये लड़के यहां पर क्या प्रयोग हुआ है, लड़के यहां पर करता है बिल्कुल सही है, दूसरा है लड़का एक वचन में है और लड़का किसमें है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। लेकिन लेकिन जब भी आप कभी भी अनुमान लगाएंगे, जैसे ही आप लड़के को बहुवचन में कर देंगे, किसमें, बहुवचन में कर देंगे, वहीं पर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लड़के आपको बोलने में ऐसे लग रहा है लेकिन आप एक लड़के को जब भी कहते हैं कि उस मैंने लड़के को भेजा था, तो आप एक लड़के की बात करते हैं, यानी कि एक लड़के को भेजा था, ठीक, ना कि ढेर सारे लड़कों को भेजने की बात करते हैं। तो इसमें यही जो है कौन सा विकल्प अशुद्ध था, तो अशुद्ध का अशुद्ध उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि बहुवचन इसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। अब इसमें शुद्ध वाक्य किस पर डिपेंड करता है, तो ये आपका दिया गया है प्राण, और प्राण जो होता है ये हमेशा कैसा प्रयोग होने वाला, किस वचन में प्रयोग किया जाता है, तो ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक है प्राण, एक है आंसू, और एक आपका है अक्षत, कौन सा है, अक्षत। तो ये सारे के सारे जो है हमेशा ही हमेशा किसमें प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं इसमें कौन सा सही है, उसके प्राण निकल गए, दूसरा है उसका प्राण निकल गया, तीसरा है उसका उसका प्राण पखेरु उड़ गया, और लास्ट में उसका प्राण खत्म हो गया। तो यहां पर आपको बताना है इसमें सबसे सही उत्तर कौन सा है, और इसको जो है एक बार देखिए आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे टॉपिक वाइज, कल की क्लास में जो जाएंगे एक बार आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, अगर कल की क्लास को देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको एक बार समझाया गया है कि किस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, उसके प्राण जो है निकल गए, क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला है, तो इसीलिए जो है इसका जो है बहुवचन के हिसाब से ये सही हो जाएगा। अगला है सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप। तो सभी मिलकर स्कूल जाता है, तो क्या ये बोलने में आपको सही लग रहा है, तो ये बोलने में भी आपको सही नहीं लगेगा। तो इसका देखते हैं कौन सा शुद्ध रूप होगा, सभी मिलकर स्कूल गए, दूसरा है सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, तीसरा है सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, और चौथा है सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक, तो जैसे ही आपका साथ आ गया, तो साथ का जो है इसका मतलब ही होता है सभी साथ में जा रहे हैं, तो यहां मिलकर जो है गलत हो जाएगा, यानी कि सबसे सही हो जाएगा सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक, कौन सा हो जाएगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूं। तो यहां पर त्रुटि किस भाग में पूछा जा रहा है, तो यहां पर एक शब्द आपको दिया गया है बुद्धिमानता, बुद्धिमानता, तो इसका एक सही जो होगा, इसका एक यहां पर त्रुटि किस भाग में है, इसका हो जाएगा साथियों बुद्धिमत्ता, क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता इसका सही बिल्कुल हो जाएगा। तो ये जो है बुद्धिमानता, इसमें जो है त्रुटि है, यहां बुद्धिमानता की जगह क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता हो जाएगा, कि जो है उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूं। ठीक, यहां से वाक्य है मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूं, तो ये बुद्धिमानता वाला यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है, जल्दी से बताएंगे कौन सा शुद्ध है। पहला है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, तो यहां पर ये चीज पकड़ेंगे और अधीन की जगह ये क्या हो जाता है, अधीन की जगह ये अधीन हो जाता है, ठीक। दूसरा है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो यहां पर जो है ये निरपराधी व्यक्ति नहीं होता है, निरपराध होता है, क्या होता है, निरपराध, ठीक, निरअपराध, ठीक, इसका अलग करके समझेंगे, ये क्या हो जाएगा, निरअपराध व्यक्ति को क्या हो इसमें दंड नहीं मिलना चाहिए। और सी वाला है, इसमें ये सी वाला है, ठीक, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो ये आपका जो है सही लग रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। चौथा हो जाएगा, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो ये जो पैतृक है यहां पर इसमें है थोड़ी सी गलती, ये क्या हो जाएगा, ये पैतृक री का मात्रा हो जाएगा, कौन सा मात्रा हो जाएगा, ये री का मात्रा हो जाएगा, यहां पर क्या था, ये त्र का मात्रा था जो कि गलत है, ठीक। तो इसमें सबसे सही क्या आपका था, सी वाला था, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है और यदि कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें आपका एक शब्द दिया गया है, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है, ठीक, तो यहां पर इसमें गलती है, क्या है, ये गायकी की जगह पर क्या हो जाएगा, शकीला जो है प्रसिद्ध गायिका है, क्या हो जाएगा, शकीला प्रसिद्ध गायिका है, तो ये किस भाग के अंतर्गत आएगा, ये तीसरे भाग के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका सी वाला सही हो जाएगा, शकीला क्या है, ये जो है प्रसिद्ध भोपाली गायिका है, ना कि गायकी है, ठीक। तो ये अशुद्धियों में सूक्ष्म अंतर होता है, छोटे छोटे अंतर होते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीजों से गलतियां होती रहती हैं, तो इन्हीं गलतियों को पकड़कर थोड़ा सा चलना है, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें, वर्तनी इसमें कौन कौन सा है, पहला है, तुम इसका दाम देते जाओ, तो ये जाओ होता है, क्या होता है, जाओ होता है, ये जो है गलत हो जाएगा, पहला है, तुम इसके दाम देते जाओ, और तीसरा है, तुम इसका दाम देते जाओ, चौथा है, तुम इसके दाम देते जाओ, तो यहां पर आपका बिल्कुल जो है सही कौन हो जाएगा, कि इसके दाम देके जाने की बात की गई है, कौन सा सही हो जाएगा, तो तुम इसके दाम देते जाओ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां पर इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक, और जो है तुम इसके दाम देते जाओ, यहां पर भी ये भी जो है गलत हो जाएगा, तुम इसके दाम देते जाओ, ठीक, तो तुम इसके दाम देते जाओ, तो यहां पर इसके दाम देते जाओ और तुम इसके दाम देते जाओ, तो ये दोनों जो है सेम है, तो इसमें आपका कोई भी हो जाएगा, क्योंकि तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, ये दोनों जो है सही है, दोनों एक ही दे दिया गया है, ठीक, ऑप्शन में, तो जो सबसे पहले मिलेगा उसी को आप सही उत्तर करेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शुद्ध वाक्य है, तो इसमें शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, यहां मीठे पानी का कुआं है, लेकिन कुआं कैसे लिखा गया, ये गलत लिखा गया है, ये कुआं जो होता है लिखा ऐसे जाता है, लेकिन चांद बिंदी कहां पर लगता है, ये आ पर लगता है, ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा है, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो एक रुपए में नहीं, एक रुपए के, एक रुपए के, ठीक, रुपए नहीं होगा यहां पर, रुपया हो जाएगा, ठीक, यहां पर हो जाएगा ये, एक रुपया, एक रुपया में कितने पैसे होते हैं, फिर ये सही हो जाएगा, तो यहां पर क्या गलती है, रुपए की जगह रुपया होना चाहिए। अगला है, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, तो ये बिल्कुल आपको सही लग रहा है, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, इसमें क्या है, साधु को भिक्षा दो, तो ये साधु नहीं होता है, ये आपका शुद्ध शब्द क्या होता है, साधु होता है, ठीक, कौन सा होता है, साधु होता है, इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, ठीक, तो इस चीज को समझ कर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहला है, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, तो ये हो जाता है प्रभारी, क्या होता है, प्रभारी होता है, ठीक, तो ये जो है यहां पर री का प्रयोग नहीं होगा। अगला है,
आज मैं 31 वर्ष का हो गया, तो ये 31 भी यहां पर गलत लिखा है, ये होता है 31 होता है, क्या होता है 31 होता है। और जो है कल की क्लास में और इसके पहले भी क्लास में हमने बताया कि अशुद्धियों में आपको सबसे खास बात ध्यान क्या देना है कि इसमें अपने आम बोलचाल की भाषा को नहीं मिलाना है, यानी कि आम बोलचाल की भाषा आपकी अलग है और व्याकरण अलग है, तो इससे थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। ठीक, अगला है इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषार पात हुआ, तो ये तुषार पात नहीं होगा, ये होता है तुषारापात। क्या होता है ये तुषारापात होता है, तो इसको ध्यान देंगे तुषारापात। ठीक, ये यहां पर ये सही हो जाएगा, यानी कि ये भी बर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। डी वाला है हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है कि हमें जो है कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के काम करना चाहिए। जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, बस आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है और घबरा कर गलत कदम उठा लेता है और उससे वो पीछे जाने लगता है। ठीक, तो ये जो है एक काम की बात है, अपने काम की बात, इसको समझने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, तो शब्द चयन की दृष्टि से कौन सा है, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। तो ये जो नागरी आपका है ये क्या होता है, ये आपकी लिपि होती है, क्या होती है, नागरी भाषा नहीं होती है, ये लिपि होती है। ठीक, जैसे अपनी हिंदी देवनागरी लिपि में है, तो देवनागरी ये लिपि हो जाएगा, ये यहाँ पर भाषा नहीं होगा। अगला है राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, तो ये सदृश जो है ये गलत लिखा हुआ, क्या हो जाएगा ये जो है सदृश हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा सदृश हो जाएगा, यानी कि राजा हरिश्चंद्र के जैसा उनके समान कोई जो है सत्यवादी नहीं हुआ है, तो यहां पर ये भी जो है किसकी गलती थी, वर्तनी संबंधी। अगला है पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, अब यहां पर किस प्रकार की त्रुटि है, तो ये पद्य नहीं होगा भाई, ये क्या होगा, ये जो है किसके भाग के चरण को कहते हैं, तो ये छंद के, किसके, तो ये छंद होता है, छंद के चौथे भाग को चरण, या जो है जो चौपाई होता है, चौपाई यानी कि छंद के अंतर्गत ही आएगा, तो उसके चौथे भाग को चरण कहा जाता है। ठीक, अगला है रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, तो ये आपका डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपने समझा कि पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, ये गलत हो जाएगा, पद्य के नहीं छंद के जो है भाग को चरण कहा जाता है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त तो विकल्प का चयन करें, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं या बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब यहां पर एक आपका वाक्य दिया गया है, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है, इसी वाक्य के बारे में पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि इसको या तो जो है प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है या नहीं है, इसके बारे में बताना है। ठीक, तो यहां पर जब एक शब्द आपका होता है सविनय, कौन सा होता है सविनय, तो सविनय का मतलब ही होता है कि विनय के साथ, किसके साथ, विनय के साथ, यानी कि विनती पूर्वक, विनय के साथ, या इसको कहेंगे विनती पूर्वक, विनती पूर्वक इसका एक अर्थ होता है। ठीक, तो यहां पर जैसे जब आपने सविनय का अर्थ होता ही है विनय पूर्वक, तो यहां पर पूर्वक का प्रयोग नहीं होगा, तो ये जो है बी वाले भाग में आपकी गलती हो जाएगी। ठीक, किस भाग में गलती हो जाएगी, बी वाले भाग में गलती हो जाएगी, यहां पर विनम्र पूर्वक निवेदन नहीं होगा, इसमें हो जाएगा सॉरी, ये जो है विनम्र पूर्वक वाला कौन सा है आपका, ये सविनय निवेदन है, इसके जगह पर हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा था। ठीक, तो देखिए अशुद्धियों में बहुत जो है ध्यान देना होता है क्या पूछ रहा है और कौन सा प्रतिस्थापित करना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध बताना है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ठीक, तो ये अस्त्र पर ध्यान देंगे, अस्त्र और शस्त्र दो चीजें होता है, तो ये जो है शस्त्र क्या होता है, जो फेंक कर चलाया जाता है, कैसे, जो फेंक कर चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। तो बंदूक के बारे में अगर कह दिया जाए कि बंदूक एक जो है बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, तो ये आपका वाक्य बिल्कुल सही होगा। ठीक, दूसरा है बाघ और बकरी एक घाट पानी, तो इसके बारे में अभी पीछे बताया गया, ये हो जाएगा पीते हैं, क्या हो जाएगा,
पीते हैं, यहां पर बिंदी भी लगेगा तब जाकर यह सही होगा। अगला है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रेलवे के यहां पर कई हो जाएगा, ठीक। तो कई का प्रयोग यहां पर निरर्थक है, गलत है। अगला है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो इसके बारे में भी हमने आपसे बताया है कि जहां पर भी अनेकों दिख जाए तुरंत इसको गलत मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये शब्द आपका होता है अनेक, कौन सा होता है ये अनेक, तो ये हमेशा ही जो है एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। कैसे? ये हमेशा ही एक वचन में प्रयोग किया जाता है, इसका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक। तो जैसे ही आपको किसी वाक्य में अनेकों दिख जाए आप तुरंत उसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं या बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब यहां पर वाक्य क्या है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो ये पीछे वाला ही जो है वाक्य है, लेकिन ये आपके जल्दी ही किसी एग्जाम में पूछा गया था एसएससी जीडी में, तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया कि एक बार आप इसको फिर से देख लेंगे। तो यहां पर कई रेलवे के कर्मचारियों को यहां पर बदलने की बात क्या है कि ये रेलवे के कई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेलवे के कई कर्मचारियों के गिरफ्तारी की जो है सूचना हुई, तो ये इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, तो यहां पर अशुद्ध पहचानना है कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। पहला है, कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं, ठीक। तो ये जो है सही है, कुछ शब्द बहुधा भावना के कारण बहुधा बहुवचन में, यानी कि ज्यादातर बहुवचन में आते हैं, जैसे आंसू प्राण ये सभी किसमें आते हैं, हमेशा बहुवचन में आते हैं, ठीक। अगला है, व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है, यानी कि यह शुद्ध हो जाएगा। जो व्यक्तिवाचक अकारांत होते हैं कौन से, तो अकारांत के बारे में कहा गया है, तो अकारांत को ये संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, तो ये बदलते नहीं है अकारांत वाले, अकारांत यानी कि जो आखिरी में आ से खत्म होते हैं इसे अकारांत वाला बोला जाता है, ठीक। तो जो आ वाले होते हैं, यानी कि जैसे एक आपसे बोला जाए डिबिया, तो या जो होता है ये या में परिवर्तित हो जाता है, इसका रूप कह रहा है तो रूप नहीं बदलता है, ठीक। तो इस हिसाब से ये अशुद्ध हो जाएगा। आगे है, कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है, तो गलत हो जाएगा, अशुद्ध नहीं है ये जो है, इसका कौन सा अशुद्ध पूछा गया था, तो यही जो है आपका इसमें बी वाला आपका सही हो जाएगा, किसका है, तो ये जो है इसमें अशुद्ध अकारांत का किसका हो जाता है, इसमें हमने बताया कि या का या होता है, यानी कि बहुवचन में नहीं होता है, और इसका कहा बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि बुढ़िया का क्या होता है, बुढ़िया होता है, ठीक। तो ये अशुद्ध दिया गया, यानी कि समझने का प्रयास करेंगे, बुढ़िया का बुढ़िये में अशुद्ध होता है, तो ये बात सही कही गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है, भारत में चंद्रयान दो लॉन्च किए, भारत ने चंद्रयान दो लॉन्च की, तो ये भी गलत हो जाएगा, भारत ने चंद्रयान दो लॉन्च की तो ये भी गलत हो जाएगा, भारत ने चंद्रयान दो लॉन्च ये तो ये भी है तो ये भी गलत हो जाएगा, भारत ने चंद्रयान दो लॉन्च किया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर है इसलिए गलत हो जाएगा, और ये जो है इसका भी भाव गलत है, यहां पर की के वजह से गलत हो जाएगा और यहां पर किए के वजह से, ठीक। तो देखिए, अशुद्धि में सबसे जरूरी है वजह भी आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से ये गलत हो रहा है, ठीक। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, तो जो है लास्ट क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। दूसरा है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, तो बढ़ती नहीं है, मोटापा कैसा है, अच्छा मोटापा बुरा मोटापा, तो मोटापा कैसा है, ये जो है आपका बढ़ता हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये पुरुष जाति का है। अगला है, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, यहाँ पर हरा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हरे पेड़ जो है ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट है, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, तो तुम्हारी नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा, मेरे घर में तुम्हारा या आपका, जैसे आप जो है आपकी शैली हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे घर में तुम्हारा या आपका स्वागत है, तो यहाँ पर आपको शुद्ध पूछा गया था, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है।
ठीक, तो ये रहा आपका अशुद्धियों से संबंधित आपकी तीन क्लासेस हो गई, एक तो आपकी कुछ नियम कानून कायदे वाली और एक क्लास प्रैक्टिस वाला, ये दूसरा था। ठीक, अब आपका एक टॉपिक आरओ यारओ के लिए सिर्फ बचता है, कौन सा, वर्तनी वाला एक बच जाता है, और वर्तनी वाले पे कल से काम शुरू हो जाएगा, यानी कि कल जो है वर्तनी वाले टॉपिक के साथ हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही साथियों, जितने लोग हमसे पहली बार जुड़े वो चैनल और प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ अपने ढेर सारा शेयर करेंगे। और हाँ, अब तो बहुत ही कम जो है आपका समय बचा हुआ है और शायद एडमिट कार्ड भी जारी होने को हो, यानी कि हो गया है, अभी हमसे किसी ने बताया कि एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है, तो शायद एडमिट कार्ड भी आपका आ गया होगा। तो अब एकदम जितने समय बचे हैं इसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस टाइम में आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो ठीक है, मेहनत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।